जिन लोगों का जन्मदिन 13 अक्टूबर को है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपका स्वास्थ्य बेहतर होता चला जाएगा, करियर और स्थान में आपके परिवर्तन हो सकता है, धन की स्थिति आपकी कुल मिलाकर ठीक रहेगी, लेकिन इस साल अपने माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखिएगा। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर भगवान भैरव की अगर आप उपासना करें तो आपका वर्ष और भी ज्यादा बेहतर होगा। बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि शाम के समय सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू लगाने से दरिद्रता आती है। क्या वास्तव में ऐसा होता है? इससे व्यक्ति को धन का नुकसान होता है? देखिए, ये जो मान्यता है ये पुराने समय की थी जब प्रकाश के साधन नहीं थे। शाम होने के बाद लैंप में या लालटेन की रोशनी में लोग काम करते थे, तो अगर कोई कीमती सामान गिर गया, पैसा रुपया गिर गया, तो शाम को झाड़ू लगाने से वो सामान खो जाता था या खो सकता था। इसलिए कहते थे कि भाई अंधेरा हो जाने पे सूर्यास्त के बाद झाड़ू मत लगाओ, आवश्यकता पड़ने पर झाड़ू आप शाम को लगा सकते हैं। लेकिन अगर शाम को आपने अपने घर के मंदिर में पूजा कर ली है, शाम की पूजा हो गई है, तो उसके बाद झाड़ू मत लगाइएगा। अगर पति पत्नी के बीच में बिना वजह सेपरेशन की, अलगाव की नौबत आ गई हो और पति या पत्नी विवाह को बचाना चाहते हो, तो क्या उपाय करेंगे? अपने घर में एक नर्मदेश्वर शिवलिंग की स्थापना करिएगा। रोज मध्य रात्रि में 11 से 1 के बीच में तांबे की कटोरी से या तांबे के पात्र से जरा सा उनको शहद अर्पित करिएगा। ये उपाय सोमवार से आरंभ करके लगातार 21 दिनों तक आप करिए, निश्चित रूप से आपके विवाह के अलगाव से आप बच जाएंगे, सेपरेशन नहीं होगा। देखिए, अगर आप फल वाले वृक्ष काट देते हैं बिना जरूरत के, बिना वजह के, केवल इंटरटेनमेंट के लिए या बिना किसी सोच के, अगर आप फल वाले वृक्ष, आम है, अमरूद है, इसको आप काटते हैं, तो आपका बृहस्पति आपके जीवन में अशुभ हो जाता है। और बिना वजह फल वाले वृक्ष काटने से इसका सीधा असर आपके संतान पक्ष पर और घर के वृद्धों पर पड़ता है। इसीलिए जब तक बहुत मजबूरी ना हो वैसे तो वृक्ष ही ना काटें, लेकिन फल वाले वृक्ष काटने से परहेज करिए, वरना इसके परिणाम बहुत नकारात्मक हो सकते हैं। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।